नमस्कार। न्यूज क्लिक की आज की खास पेशकश में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछते हैं दो टूक सवाल। जब वे देश की बात करते हैं, जब वे देश को संबोधित करते हैं, तो लाखों की संख्या में वे मजदूर, वे भारतीय नागरिक जो सड़कों पे उतरे हुए हैं, धक्के खाते हुए हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हुए घर जाना चाह रहे हैं, घर जाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, वे उन्हें क्यों नहीं दिखाई देते? क्यों नहीं दिखाई देते उन्हें उनके पैर के छाले? क्यों नहीं दिखाई देता कि किस तरह से जो नन्हे नन्हे बच्चों के साथ औरतें सफर कर रही हैं, उनके भी कुछ हक हैं? आप देखिए उनके संबोधन में बात जिस तरफ उन्होंने की है, जिस तरफ मोड़ने की कोशिश की है, उससे इशारा बहुत साफ है। मामला इस आपदा का अवसर उठाने का, मौका उठाते हुए आर्थिक सुधार दो, आर्थिक सुधारों की कड़ी शुरू करने की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसका संकेत उनके प्रिय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान पहले ही हमें दे चुके हैं कि ये जो आर्थिक सुधार हैं इनका मतलब क्या है। इनका सीधा सीधा मतलब है कि जो मेहनतकश भारत है, जो मजदूर हैं, उनके जो हक हैं उन पर गाज गिरेगी। कितने दुख की बात है कि प्रधानमंत्री बात तो करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, बात करते हैं कि भारत दुनिया को रास्ता दिखाएगा, दुनिया का दर्द दूर करेगा, लेकिन उन्हें अपने ही भारत के लोगों का दुख दर्द दिखाई नहीं देता। वे बात करते हैं कच्छ की, वे बात करते हैं गुजरात की, लेकिन बात नहीं करते सूरत की, सूरत के मजदूरों की, जो लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरे हुए हैं, डंडे खा रहे हैं, मुश्किल से हर मुश्किलों को पार करते हुए घर जाने के लिए जी जान लगाए हुए हैं। उनकी बात में जो पैकेज उन्होंने अनाउंस किया, उस पैकेज में मजदूरों का भी जिक्र है, उसमें लघु और कुटीर उद्योगों का भी जिक्र है, लेकिन उसमें जिक्र मध्यम वर्ग और अमीर जो तबका है उसका है, उद्योगपतियों का है, और सारी बातचीत वहीं ख़त्म होती है। जब वे बात करते हैं कि हमें पुराने जो कानून हैं उन्हें बदलना होगा, उन जकड़नों से बाहर आना होगा, तो हम आशंकित होते हैं, और आशंकित होने की पूरी वजह है क्योंकि एक भी शब्द प्रधानमंत्री ने इन मजदूरों के बारे में, तुरंत उन्हें राहत देने के बारे में, तुरंत उन्हें घर पहुँचाने के बारे में नहीं की। यहाँ आज जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट है, उस ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो भारत का मजदूर है, वे अपनी मेहनत के बल पर, अपनी मजदूरी के बल पर, अपने हौसले के बल पे जिंदा है। उसे सरकार से पूरा का पूरा भरोसा उठ गया है, और प्रधानमंत्री का यह संबोधन बताता है कि ये जो मजदूर हैं, ये प्रधानमंत्री के एजेंडे में कहीं से भी नहीं है। न्यूज क्लिक की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आप सुनेंगे कुछ सवाल, सुनेंगे कुछ दर्द, और सुनेंगे, देखेंगे वो हौसला जो भारत के मजदूर इस समय दिखा रहे हैं मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ। आप देखेंगे शकुंतला को। यह शकुंतला नासिक में रहती थी, प्रेग्नेंट थी, और लॉकडाउन के 40 दिन बीत जाने के बाद इन्हें लगा कि अब बहुत मुश्किल है, उद्योग बंद हैं, इनके पति और तमाम लोग जो मध्य प्रदेश के सतना से रहने वाले हैं, इन्होंने फैसला किया पैदल ही घर की ओर रुख करने का। रास्ते में डिलीवरी हुई, प्रेग्नेंट 9 महीने की प्रेग्नेंट शकुंतला सड़क पर ही बच्चा देती हैं, और ठीक उस समय मैक्सिम गोर्की की वो कहानी याद आती है, एक नए इंसान का जन्म। ये हौसला देखिए शकुंतला और बाकी तमाम लोगों का। सड़क पर बच्चा पैदा होता है, कुछ लोग मदद करते हैं, कुछ घंटे वो आराम करती हैं, और उसके बाद 160 किलोमीटर पैदल वह चलती हैं। यह मजदूरों का हौसला, जो मजबूरी में उन्होंने अपनाया ये जो रास्ता है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं दिखाई देता। वे विश्व कल्याण की बात करते हैं, तमाम बड़े बड़े श्लोकों का उदाहरण देते हैं, लेकिन शकुंतला और शकुंतला जैसी लाखों औरतें जो इस समय सड़कों पर हैं, जीवन का संघर्ष कर रही हैं, उनका संघर्ष उन्हें नहीं दिखाई देता। इसी तरह से आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी दीपा। दीपा भिंड की रहने वाली हैं, वे अहमदाबाद में काम करती थीं, छोटी सी बच्ची उनके साथ, अकेले ही चल पड़ी जब सारा राशन खत्म हो गया और मदद की आस कहीं से नहीं मिली क्योंकि फैक्ट्री बंद है और किसी ने भी मदद करने से मना कर दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कच्छ और गुजरात और भारतीय संस्कृति की दुहाई देते देते थके नहीं, लेकिन दीपा बताती हैं कि जब वे अहमदाबाद में रहीं तब कहीं भी कोई मदद नहीं मिली और अकेले ही तमाम जोखिम उठाते हुए ट्रकों पर सवारी करते हुए वे भिंड की ओर बढ़ी जा रही हैं। कहाँ से आ रहे हैं भैया? बहादुरगढ़ से। कहाँ जा रहे हैं? गांव जा रहे हैं। गांव कहाँ है? कानपुर। कानपुर जिला कानपुर। कैसे जाएंगे? पैदल जाएंगे सारे लोग। सब लोग पैदल ही जाएंगे। अब भूखे प्यासे हैं, मंजूर आदमी है, गरीब आदमी है। क्या काम करते थे आप? हम चेन वेल फेरी करते थे। हाँ, चेन वेल लगाते थे, जीप नहीं होती, बैग बैग में जीप लगाते थे, उसी काम करते थे। क्या नाम है आपका? हमारा सोनू। हाँ, सोनू। सोनू, खाने के लिए अभी तो हम लोग को कुछ भी नहीं है, फिर हम लोग कहाँ से किराया लाएंगे इतना? इसलिए हम सोचे कि पैदले चलेंगे, जो होगा होगा, आगे देखा जाए। पैसा हो तो काय घूम जाए, आज पर होते था। अरे फुल भाई आए। राशन पानी नहीं मिल रहा था? कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों ये ना रहा राशन वाले? आधार कार्ड है ना दिल्ली को, आधार कार्ड मांग रहे हैं। यहाँ से कितना दूर है आपका? 300 किलोमीटर पैदल जाएंगे आप लोग? दीदी पैदल जाएंगे, पैदल ना तो कर कुछ तो कोशिश कर ही जाएंगे, क्या करें, किसी गांव गाँव वाले बुलाएंगे। उस दिन हम गए थे राशन के लिए, राशन ने डायरेक्ट मना कर दिया कि भाई दिल्ली का आधार कार्ड लाओ, ऑनलाइन कराओ। मेरे को जब कुछ पता ही नहीं, मैं दूसरी बार दिल्ली आया हूँ, वैसे कभी आया होता तो मेरे को पता नहीं होता। जो मालिक के पास काम कर रहे हैं, उस मालिक ने तुरंत बोल दिया कि भाई मेरे पास कोई भी काम नहीं, ना मैं पैसे दे पाऊंगा। जब फैक्ट्री नहीं चालू होगी तो मैं पैसे कहाँ से दूंगा? क्या काम करते थे आप? मेरा पॉलिश का काम था। पॉलिश का काम था, स्टील की फैक्ट्री पॉलिश का। हाँ, लॉकडाउन तो ये 24 घंटे के लिए मांगे थे ना, और 24 घंटे में क्या पता चला कि 21 दिन का हुआ, 21 दिन के बाद पता चल रहा है 14 तारीख का हुआ, कुछ पता नहीं, उसके बाद 17 मई हो गया। अभी भी बढ़ाने को बोल रहे हैं, कोई भी काम करना ले उनको निर्णय लेना था तो उनको बता के करना चाहिए, 2-7 दिन का टाइम देना चाहिए, या गली गली में अनाउंस करवा देना चाहिए कि मतलब हमें ऐसा कदम उठाना है, तो इतने दिन का हम टाइम दे रहे हैं। आप लोग किधर से, किसी जिला से हो, जिस जिला से हो आप लोग जा सकते हो, उसके बाद लॉकडाउन लग जाएगा तो हम 4 महीने तक लॉकडाउन नहीं खोलेंगे। जिन लोग को जाना है वो लोग अपने अपने ज़िले पे, अपने अपने स्थान पे चले जाएं। अब ये हम लोग को कुछ बता के किए ही नहीं, उसके बावजूद दिन पर दिन बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो हम लोग का जब खाने का भी कुछ नहीं है, पीने का भी कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सोच रहे हैं पैदल ही निकले। दीपक बिल्डर में हम लोग काम करते थे। दीपक बिल्डर में हाँ जी, हम लोग को कम ज़बरदस्ती बोल रहा था काम पे जाने के लिए, और हॉस्पिटल के अंदर में हम लोग का काम है, वहाँ पे हम लोग नहीं गए, इसलिए नहीं गए, वहाँ पे बीमारी बहुत है, हम लोग को निकाल दिया गया, फिर हम लोग रास्ता निकल गए। काम बिल्कुल बंद है मैम, से मालिक के पास फ़ोन करो तो बोलते हैं काम नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? पैसा नहीं दिए कुछ? पैसे देते ही नहीं है, फ़ोन करो तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, तो फिर क्या करेंगे हम? तो अपना किसी तरह पेट तो मानता नहीं है, भूख है तो बिना खाना तो चाहिए ही चाहिए। महाराष्ट्र की हमारी दोस्त हैं धुले में नाजनीन, उन्होंने कुछ वीडियो भेजे हैं और उन्होंने हमको बताया कि किस तरह से लाखों की संख्या में नेशनल हाईवे पर इस समय मजदूर हैं, वे किसी भी तरह से बसों में ट्रक में चढ़कर अपने गांव जाना चाहते हैं और वे किसी भी सूरत में रुकने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको यह लग रहा है कि अब ये जो शहर उन्हें रोटी देते थे, अब उनके लिए किसी भी तरह का आसरा देने के लिए वे तैयार नहीं हैं। ये जो दो टूक सवाल हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे हैं, ये इस समय सुलगते हुए भारत के सवाल हैं। यह सिर्फ हमारे और आपके सवाल नहीं, यह 70% भारत के सवाल हैं कि देश जब इतनी गहरी आपदा में फंसा हुआ है, इतना तगड़ा आर्थिक संकट है, ऐसे में इस संकट से गरीबों को और मेहनतकश भारत को उबारने का दायित्व आखिर प्रधानमंत्री और उनकी सरकारों को ही लेना होगा, जिससे वे पूरी तरह से मुंह मोड़े हुए हैं,
दूसरे ढंग के जुमले हम पे उछाले जा रहे हैं और इन जुमलों के पीछे एक बड़ी आर्थिक सुनामी की तैयारी हो रही है, बड़ी आर्थिक परिवर्तनों की तैयारी हो रही है जो निश्चित तौर पर मेहनतकश भारत के पक्ष में नहीं है। शुक्रिया।